हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप ही अपने वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में बैक साइड से कोई भी साउंड आता है, उस साउंड को आप रिमूव करना चाहते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के, सिर्फ एक क्लिक में अपने मोबाइल से, तो फ्रेंड आपको इस वीडियो को कम्प्लीट बताएंगे कैसे आप AI के थ्रू आप अपने जो भी साउंड रिकॉर्ड करते हैं उसका जो भी इको आता है साइड से बाहर से, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीट आपको बताएंगे। इस वीडियो को कम्प्लीट बने रहिए तो फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो जो अभी मेरा साउंड सुन रहे हैं इसका, चलिए ओरिजिनल साउंड आपको फ्रेंड सुनाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हेलो एवरीवन, आप सभी के बीच में फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड आप सुन सकते हैं कि कैसा है मेरा अभी ओरिजिनल साउंड आ रहा है। चलिए अब यहाँ से साउंड को चेंज करते हैं। तो आप सुन सकते हैं फ्रेंड कि कैसा साउंड आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने साउंड को क्लियर कर सकते हैं, और जो भी इको साइड साउंड बाहर से आता है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे MP3 कन्वर्टर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको MP3 कन्वर्टर को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर 13 MB की एक मेरा वीडियो है, तो चलिए इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कॉपी पर AC पर क्लिक करना है, MP3 पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्वर्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो कि मेरा MP3 में यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, जो वीडियो है वो कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। फ्रेंड आप हमारे चैनल पर न्यू आए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को, कि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन चलाए सबसे पहले। तो फ्रेंड सबसे पहले अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर इस तरह देखिए इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। डाटा ऑन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पर Adobe पोर्ट का यहाँ पर सर्च करना है Adobe यहाँ पर सर्च करना है, और यहाँ पर क्या करना है पॉडकास्ट यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपने, यहाँ पे पॉडकास्ट यहाँ पे सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में ही इंटरफेस खोल के आ चुका है इसका वेबसाइट। तो आप इस तरह गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे Adobe पॉडकास्ट पे आपको चले आना है, और आने के बाद फिर यहाँ पे तो यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है, जो भी आपके पास जीमेल ID होगा उससे लॉग इन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखते इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनहेंस करना है जो भी यहाँ पे आपका जो साउंड है, यहाँ पे इनहेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह देखिए इस तरह से दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे, तो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उस चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे गो टू इनहेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक किए और आप यहाँ पे मैक्सिमम 500 MB तक का जो भी आपके पास जो भी MP3 होगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और टोटल डेली लिमिट यहाँ पे 1 आवर्स है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक किए और यहाँ पे फाइल वाले आइकन पर चले जाएंगे, और यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चले आएंगे इस पर लार्ज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ करते हैं यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से यार रिसेंट पर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक किए, और अभी आपके सामने हम अभी फिर यहाँ पे एक सॉन्ग को यहाँ पे एक वीडियो से MP3 में कन्वर्ट किए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे अभी टाइमिंग, यहाँ पर देखते इस तरह से टाइमिंग अभी 7:08 हो रहा है, 7:05 पर इसको किए हैं। तो चलिए इसको हम लेते हैं फिर यहाँ पे, इसको हम करते हैं क्लियर। तो यहाँ पे चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग, यहाँ पे अपलोड पर लग गया। अपलोडिंग में कुछ सेकंड टाइम लगता है, और लगने के बाद जो भी उसमें बैक साउंड जो भी चीज़ आता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है यहाँ पे। तो 5 से 10 मिनट के अंदर में आप यहाँ पे जो भी आपके साउंड में जो भी इको आ रहा है, जो भी साइड से बाहर कुछ भी चीज़ आ रहा है उसको यहाँ पे रिमूव कर देता है वेबसाइट। और यहाँ से आप डाउनलोड करके उस जो भी यहाँ पे जो डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में उसको ऐड कर लीजिएगा, यूज कर सकते हैं, और वीडियो में और बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी और क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा है 10 मिनट टाइम, तो यहाँ पे छोटा सा था इसीलिए जल्दी ही हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे प्ले करके सुनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्ले करके सुनाते हैं, तो यहाँ पे चलिए प्ले कर देते हैं।
और आपके लिए फिर से यहाँ पे आवाज और जैसे ही इसको यहाँ पे ऑन करेंगे कैसे आवाज वो यहाँ पे कैसे आवाज है फिर यहाँ पे स्पीकर से आप अपने वीडियो के लिए सॉन्ग यहाँ पे जो भी वीडियो के लिए साउंड यहाँ पे आप कर सकते हैं बना सकते हैं और बनाने के बाद उसको क्या कर सकते हैं अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आपसे उनसे अगले वीडियो के साथ मिलते हो। टेक केयर फ्रेंड, बाय फ्रेंड।